एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स तो एक्स इजिकल टू जीरो पर हमारे फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे एक्स एजिकल टू जीरो पर फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे एफ जीरो पर फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी लैमडा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स तो जीरो पर एक्स के प्लेस पर हम जीरो रख देंगे जीरो का स्क्वायर माइनस टू इंटू जीरो तो ये हमारा एफ़ जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी हम वैल्यू फाइंड करेंगे किस परीरोसरो जीरो माइनस पर भी हमारी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे जीरो आ जाएगी यानी कि जिस वैल्यू पर हमारा लेमडा आना चाहिए वहां पे लेमडा की हमारा लेमडा जो है कैंसिल हो जा रहा है जब हम एक्स इजिकल टू जीरो रखेंगे तो लेमडा की कोई भी वैल्यू हो फंक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है तो हम लिखेंगे एट एक्सिजिकल टू जीरो लैमडा हैव नो वैल्यू एक्सजिकल टू जीरो पर लेमडा की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि भाई जब लेमडा यहाँ पे आता हमारा किसी फंक्शन के साथ और इसी में तो एक्स की वैल्यू रख के जीरो हो गया है सो लेमडा की वैल्यू तो कुछ रही नहीं पहली वाली वैल्यू में हमारा लैमडा की वैल्यू क्या रहेगी कुछ नहीं रहेगी लैमडा हमारा यहाँ पे डिफाइन नहीं हो पाएगा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन में व्हाट अबाउट द कॉन्टीन्यूट एक्स इजिकल टू वन एक्स इजिकल टू वन पे इसकी कॉन्टीन्यूटी के बारे में क्या है तो चलिए देखते हैं एक्स इजिकल टू वन पे चेक करते हैं क्या है एट एक्स इजिकल टू वन तो बच्चों एक्स इजिकल टू वन पे हमारा फंक्शन क्या रहेगा पहले आप ये चेक कर लीजिए एफ इजिकल टू एक्स एक्स इजिकल टू वन पे फंक्शन क्या है भाई एक्स जब है जीरो से ग्रेटर जीरो से ग्रेटर यानी कि वन तो जीरो से ग्रेटर ही है जब एक्स जो है जीरो से ग्रेटर है तब हमारा फंक्शन फोर एक्स प्लस वन है तो एक्स इजिकल टू वन पर हमारा फंक्शन रहेगा फोर एक्स प्लस वन तो एफ वन की वैल्यू फाइंड करेंगे वन पे पॉइंट फाइंड करेंगे फंक्शन की वैल्यू फोर इन वन प्लस वन फोर वन जा फोर प्लस वन इज इक्वल टू फाइव वन पे फंक्शन की वैल्यू फाइव आ गई है अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे एक्स इजिकल टू वन पर एक्स इजिकल टू वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा जब वन से लेस देन होगा एक्स तब क्या लिमिट रहेगी वन से लेस देन है पर जीरो से तो ग्रेटर ही है ना वन से लेस है तब भी हमारा फंक्शन फोर एक्स प्लस वन रहेगा अब हम यहाँ पे लिमिट यूज करेंगे तो फोर इन वन प्लस वन फोर वन वन जब फोर प्लस वन फाइव अब हम एक्स इक्वल टू वन पर ही राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे आर एच एल अब राइट हैंड लिमिट हमारी यानी कि वन से जब ग्रेटर होगा तो लिमिट एक्सटेंस टू वन प्लस वन प्लस वन से ग्रेटर जब एक्स से ग्रेटर है जीरो से ग्रेटर एक्स की वैल्यू तब हमारा फंक्शन यही तो रहेगा वो वन से ग्रेटर भी हो कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हमारा फंक्शन फिर यही रहेगा फोर एक्स प्लस वन अप्लाई करेंगे लिमिट तो हमारी वैल्यू हो जाएगी फोर इन टू वन प्लस वन फोर वन या फोर वन फाइव तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए बच्चों आपका फंक्शन पे भी वैल्यू सेम है पे और लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेम है और राइट हैंड लिमिट भी सेम है सो so, फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू वन इज कॉन्टिन्यूस इक्वल टू वन पे फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है lambda. क्योंकि लैम्डा की कोई भी वैल्यू फंक्शन पे इक्वल टू वन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लैम्डा जो था हमारा कौन सा फंक्शन था जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो थी बट यहाँ पे एक्स इजिकल टू वन के बारे में कॉन्टिन्यूटी पूछी गई है और एक्स एजिकल टू वन यानी कि एक्स वन जो है जीरो से ग्रेटर है तो एक्स ग्रेटर देन जीरो है तब हमारा फंक्शन है फोर एक्स प्लस वन ऐसी तो कंडीशन में यहाँ लेमडा तो है ही नहीं तो लेमडा की कोई भी वैल्यू कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारा एक्स फजिकल टू वन पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेगा ठीक है उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आ गया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए आपकी तैयारी मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा